अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। दिस इज़ द कंप्लीट टारगेट पेपर ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश, और ये जो बेसिकली टारगेट पेपर है ये सारे ग्रुप्स के लिए है। इसके बाद कोई भी टारगेट पेपर इंग्लिश के रिलेटेड नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल टारगेट पेपर। अब मैं, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश की सबसे न्यू बुक है और आपने तैयारी किस तरीके से करनी है ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे समझा दूंगा, ठीक है। बट छोटा सा एक रिकैप बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके पास जो ये सब सेक्शन 1 है, ये सब सेक्शन 2 पोएट्री है आपके पास, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके पास प्ले के क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्ले के बाद जो है आपके पास ग्रामर सेक्शन आ जाता है। पहले ग्रामर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, सिर्फ मैच द फॉलोइंग्स और इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। मगर आप फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के अंदर आपके पास कम्प्लीटली ग्रामर है और अब आपको ग्रामर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ग्रामर के लिए मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रामर आपको खुद करनी होगी, क्योंकि आपने जिनसे पढ़ा है या आप खुद घर पे पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि आप कोई रिक्वायर्ड एक अच्छा चैनल से अपने ग्रामर को अच्छा कर लें, क्योंकि ग्रामर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ग्रामर नहीं आएगा आपका तो आपको 10 क्वेश्चन जो आपके पास करने हैं वो आप नहीं कर सकोगे। सबसे पहले आपको नरेशंस करने होंगे, वॉइसेस करनी होगी, स्पॉट द एरर करना होगा, ठीक है। स्पॉट द एरर के अंदर अपने ये 4 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होंगे कि आर्टिकल्स डूअर्स डायरेक्टेड में भी आपके काम आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप ये कर लें, ठीक है। बाकी डूअर्स डायरेक्टेड के अंदर जो है आप कुछ सेंटेंसेस जैसे कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लें, पंचुएट का पढ़ लें क्या होता है, ठीक है, मॉडल वर्ब पढ़ लें, आर्टिकल्स पढ़ लें, और भी कुछ हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर ये कुछ मैंने आपको डूअर्स डायरेक्टेड बता दिया है। बाकी इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके पास इस तरीके से या तो आप भाई पैसेज के आंसर्स कर दें, या तो आप इसी को जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है प्रीसीज लिख दें, मतलब कि आप जो है इस पैसेज को छोटा करके एक सूटेबल टाइटल देकर जो है आप लिख सकते हो। मेरे हिसाब से जिस बच्चे को रीड द पैसेज के बाद आंसर्स करना काफ़ी इजी लगता है तो वो कर ले, जिसको भाई जिसकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो प्रीसीज कर ले, ठीक है, पैसेज का। और ये जिसकी भी इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है प्रीसीज करो, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप आराम से रीड करो और फिर उसके बाद प्रॉपरली एक टॉपिक को रीड करो और फिर उसके आंसर्स करो। एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास कुछ ग्रामर के 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं आइडेंटिफाई करो रेगुलर वर्ब, ठीक है। इन 4 को बता दिया कि भैया रेगुलर वर्ब है या नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे अंडरलाइन किए हुए होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि एरर्स बता दो या फिर प्रीपोजिशंस बता दो, या फिर आप ये बता दो कि भाई जो अंडरलाइन हुए हैं ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो थोड़े से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर ग्रामर के, तो वो आपका फिर करना होगा। उसके बाद आपके पास पहले लेटर्स एप्लीकेशन आया करते थे, अब आपके पास पेपर्स में फॉर्मल ईमेल्स आती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मल ईमेल्स हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा। जैसे कि भाई आप एक मोटिवेशन के ऊपर देख लें, मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस लिख के दे दिए हैं, आप चाहें तो मोटिवेशन के ऊपर देख लें, आप चाहें तो एजुकेशनल विजिट कहीं पे भी हो सकता है, एग्जामिनेशन में एजुकेशनल विजिट कहीं पे भी आ जाए, परेशान नहीं होना, लिखना आपने यही वाला है जो मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। अगर पेपर्स के अंदर या फिर आपको क्विज कॉम्पिटिशन का पूछ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ कॉम्पिटिशन क्विज का ही है, आपने लिखना वही है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर वो कोई पार्टिसिपेशन का पूछ रहे हैं, कोई कॉल उसमें किसी भी चीज़ की टीम की पार्टिसिपेशन है कहीं भी, तो आपने लिखना यही है, मैंने क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। अगर कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं कि पार्टिसिपेशन फुटबॉल के इसमें कर रहे हैं तो भाई, या हॉकी में कर रहे हैं तो लिखेंगे आप ये क्रिकेट वाला ही मैंने क्रिकेट से दे दिया, आप इसको चेंज करके हॉकी कर देना या फुटबॉल कर लेना। आफ्टर दैट रिपोर्ट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रिपोर्ट भी आएंगी, तो अगर आपको फॉर्मल ईमेल्स आसान लगे तो वो, वरना ये कुछ रिपोर्ट्स हैं 3, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद एक आपके पास नरेटिव्स आएंगे अकाउंट करने के लिए, ठीक है, नरेटिव या एस्से करने, इन दोनों में से कोई आप एक चीज़ कर सकते हो। अगर नरेटिव आसान लगे तो नरेटिव कर लेना, या 2 नरेटिव्स हैं, वरना अब एस्से जो आपके आ रहे हैं पेपर्स के अंदर वो कंपेयर करने वाले एसेज, पहले कंपेयर नहीं सीधा एसेज आया करते थे, अब कंपेयर वाले आ रहे हैं। मतलब कंपेयर से मुराद ये कि फिजिकल क्लास, ठीक है, और ऑनलाइन क्लास क्या है, डिग्री वर्सेस स्किल क्या है, ये कुछ आपके पास एसेज हैं कंपेयर। ये तकरीबन ये 4 ग्रुप्स के लिए है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो ये बाकी देख लीजिएगा। रेड 1 इसके अंदर मैंने लगाए हुए होंगे, तो रेड 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 है, ठीक है। बाकी ये आपके पास सीवी है, तो सीवी के लिए ये देख लीजिएगा। सीवी आप ये 2 बनाना सीख लेंगे तो बाकी सीवी और रिज्यूमे बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट जो है इंग्लिश का पेपर है। इस पेपर का पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहां से जाकर ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो आप। इंशाल्लाह इस पेपर को अच्छे से परफॉर्म करो टू गेट गुड स्कोर इन इंग्लिश फर्स्ट ईयर। इंशाल्लाह फिर मैं नई वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद जरूर रखिएगा।